ओबीएस कहानी नंबर 21। परमात्मा ने मसीहे भेजने का वादा किया। जेबे परमात्मा ने संसार बनाया था तो तेसके पता था कि एक ना एक दिन माके संसार विच मसीह भेजना पड़ना। परमात्मा ने आदम और हवा साथे वादा किया कि मैं एड़ा करना। परमात्मा ने बोलिया कि हवा ते एक वंशज पैदा होना जिन्हें सांपारा सिर कुचलना। परमात्मा ने बोलने का मतलब था कि मसीह ने पूरी तरह से शैतान हरा ही देना, क्योंकि इसे शैतान ही था जिन्हें सांपारे रूप से आई कि हवा के धोखा दिता था। परमात्मा ने अब्राहम साथे वादा किया था कि तेरे जरिए संसार की सब बरादरी के आशीष मिलनी। परमात्मा ने बोलिया कि एक दिन मैं मसीह के संसार विच भेजी के ये वादा जरूर पूरा करना। मसीह ने संसार की सब बरादरी के लोग तिन्हारे पापा ते छुड़ाने। परमात्मा ने मूसा साथे वादा किया था कि आने वाले समय विच मैं तेरी तरह एक दूजा भविष्यवक्ता भेजना, ये भविष्यवक्ता मसीह होना। इस तरह परमात्मा ने फिर वादा किया कि मैं मसीह संसार विच भेजना। परमात्मा ने दाऊद साथे वादा किया था कि तेरा एक वंशज मसीह होना, छे राजा होना और तिन्हें परमात्मा के लोगों पांदे हमेशा खातर शासन करना। परमात्मा ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता साथे गल की और बोलिया, एक दिन मैं एक नई वाचा बांधनी, पर से वाचा ते इस पुरानी वाचा की तरह नहीं होनी जो इजराइली लोगों साथे सीने पहाड़ा पांदे बनी गई थी। जेबे मैं लोगों साथे अपनी नई वाचा बांधनी तो मैं अपने आप ही तिन्हां पांदे प्रगट करना। हर एक आदमी ने मेरे साथे प्यार रखना और मेरी व्यवस्था का पालन करने की इच्छा रखनी। मैं अपनी व्यवस्था तिन्हारे मन विच लिखनी, सो मेरे लोग होने और मैं तिन्हारे पाप माफ करने, से मसीह होना जिन्हें तिन्हां लोगों साथे से नई वाचा बांधनी। परमात्मा के भविष्यवक्ताओं ने यह भी बोलिया कि मसीह एक भविष्यवक्ता होना। एक भविष्यवक्ता से होवा जो परमात्मा के वचन सुनवा और फिर तीजी परमात्मा के लोगों के सिखावा। परमात्मा ने जिसके भेजने का वादा किया था से सिद्ध भविष्यवक्ता मसीह होना। मसीह ने परमात्मा के वचन अच्छी तरह से सुनने और समझने और फिर से वचन अच्छी तरह से परमात्मा के लोगों के सिखाने। इजरायली पुरोहिता ने लोगों खातर परमात्मा के आगे बलि चढ़ाना जारी रखा ताकि परमात्मा तिन्हें तिन्हारे पापा की सजा न दियो। पुरोहिता ने लोगों खातर प्रार्थना भी की। पर मसीह सिद्ध महापुरोहित होना जिन्हें इस संसार के लोगों के पाप आपे पांदे ले के परमात्मा खातर अपनी बलि चढ़ानी। मतलब मसीह ने कभी भी पाप नहीं करना और जब तिन्हें अपनी बलि चढ़ानी तो संसार की कोई भी दूजी बलि जरूरी नहीं होनी। राजा से होवा जो लोगों पांदे शासन करवा और लोगों का इंसाफ करवा और कदी कदी से पाप भी करो। राजा दाऊदा ने सिर्फ इजराइली लोगों पांदे शासन किया पर राजा दाऊदा के वंशज मसीह ने पूरे संसार पांदे हमेशा खातर शासन करना। तिन्हें हमेशा सच्चाई साथे शासन करना और सही फैसले लेने। परमात्मा के भविष्यवक्ताओं ने मसीह आने से पहले बहुत सारी भविष्यवाणियां की। मलाकी भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि मसीह आने से पहले एक महान भविष्यवक्ता होना, से भविष्यवक्ता बहुत ज्यादा खास होना। यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि मसीह ने एक कुंवारी लड़की से जन्म लेना और मीका भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि मसीह ने बैतलहम नगर विच जन्म लेना। यशायाह भविष्यवक्ता ने बोलिया कि मसीह ने गलील जिले विच वास करना। जो लोग बहुत ज्यादा दुखी है मसीह ने तिन्हें शांति देनी। मसीह ने कैदी लोग भी आजाद करने। मसीह ने बीमार अंधे गुंगे टौने लंगड़े सब लोग ठीक करने। यशायाह भविष्यवक्ता ने यह भी बोलिया कि लोगों ने मसीह से नफरत करनी और लोगों ने इसे स्वीकार नहीं करना। दूजे भविष्यवक्ताओं ने बोलिया कि मसीह एक साथी ने मसीह को धोखा देना। जकरयाह भविष्यवक्ता ने बोलिया कि मसीह पकड़वाने खातर तीसरे साथी ने लोगों से 30 चांदी के सिक्के लेने। इथे अलावा कुछ भविष्यवक्ताओं ने बोलिया कि लोगों ने मसीह खत्म कर देना और तिन्हों ने मसीह टाले पाने परचे राखी के जुआ खेलना। भविष्यवक्ताओं ने यह भी बताया कि मसीह कियां मरना। यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि लोगों ने मसीह पांदे थुकना, तीसरा मजाक उड़ाना और तिन्हों ने से कुटना। तिन्हों ने तीसरे हाथ पैर विच छेद करने और तीसरी मौत बहुत ज्यादा पीड़दायक होनी जबकि तिन्हें कदी भी कोई पाप नहीं कर रखा। भविष्यवक्ताओं ने यह भी बताया कि मसीह ने कोई पाप नहीं करना, से सिद्ध होना पर से लोगों के पापा खातर मारिया जाना। तीसरे मरने ते लोग परमात्मा के जानने। इस खातर परमात्मा चाहवा कि मसीह मरो। भविष्यवक्ताओं ने यह भी बताया कि परमात्मा ने मसीह मरिया दे विच ते जिंदा करना। मसीह की मौत और जी उठना यह बतावा कि संसार के लोगों साथे नई वाचा बांधनी परमात्मा की योजना थी ताकि से तिन्हां लोगों के बचाई सको जिन्होंने तीसरे खिलाफ पाप किया था। परमात्मा ने भविष्यवक्ताओं के मसीह बारे च बहुत सारी गल्लां बताईया पर मसीह तिन्हां भविष्यवक्ताओं विच ते किसरे भी समय विच नहीं आया। इन्हां भविष्यवाणियां करने ते 400 साल बाद ठीक समय पांदे परमात्मा ने मसीह इस संसार विच भेजना।